गर्मियों के मौसम में पशुओं में टिक्स या चिचड़ की समस्या देखने को खूब मिलती है। इससे पशुपालक काफ़ी परेशान रहते हैं। टिक्स बढ़ने से पशुओं में कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, जैसे उनका बाल झड़ना, दुधारू पशुओं का कम दूध होना, चारा पानी कम कर देना आदि देखने को मिलता है। इस संबंध में हजारीबाग के राजकीय पशु चिकित्सालय के वेटनरी सर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार सिन्हा बताते हैं कि टिक्स का प्रॉब्लम कैसे दूर करें। टिक्स के प्रॉब्लम के लिए जहां आप जानवर को बांधते हैं, पहले प्रीमाइसेज में आप चूना से कम उसको गाढ़ा करके पूरा वास कीजिए। और क्योंकि टिक्स एक्चुअली वाल से ही आता है, जहाँ जानवर बांधता है वहीं से आता है। आप टिक्स को हटा दिए जानवर के बॉडी से, लेकिन फिर वो 45 दिन में वापस आ जाएगा। मैक्सिमम 45 दिन तक और 45 डेज का उसका जब तक स्मेल बॉडी में है तब तक वो नहीं आएगा, लेकिन से स्मेल खत्म होगा वापस आ जाएगा। तो जहाँ बांधते हैं जानवर को प्रीमाइसेज में, मेन उसी को क्लीन करना। अच्छा, उसको हटाने के लिए क्या है? उसके हटाने के लिए तो मान लीजिए दवाई है, आप दे सकते हैं। गुटेक्स आता है, लगाने वाला भी आता है, टैबलेट भी आता है, लेकिन कोई भी दवाई 40 से 45 दिन से ज़्यादा वर्क नहीं करता, फिर रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि उसको आप जहाँ बांध रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो वही साफ सफाई में